गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि मेरे प्रीवियस व्लॉग्स आपने देखे होंगे। अगर अभी तक नहीं देखे हैं तो चैनल में जाके देखिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को पहले जाके सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और आज जो हमारा वीडियो है, इसमें हम ट्राई करेंगे अलग अलग बर्गर। सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रेट के होंगे और सबसे ज़्यादा लोएस्ट रेट के होंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये रहे मेरे सारे बर्गर, जिसके अंदर मैंने लिया है एक बर्गर किंग का बर्गर, केएफसी का, मैकडी का हाई ऑन बर्गर और नॉर्मल गुप्ता जी का बर्गर। तो चलिए अब हम टेस्ट करते हैं और टेस्टिंग के बाद बताते हैं कि कौन सा बर्गर सबसे ज़्यादा अच्छा है। तो आइए अब हम टेस्ट करते हैं गुप्ता जी का बर्गर। ये नॉर्मल गुप्ता जी का बर्गर है, जो हर जगह, हर मोहल्ले, गली गली पे आपको इनकी ठेली मिल जाएगी। बहुत ही ज़्यादा रिजनेबल प्राइस होता है, 20 रुपये का पड़ जाता है। मुझे भी 20 रुपये का पड़ा है ये बर्गर। तो हम इसको टेस्ट करते हैं कैसा है ये बर्गर। तो मैंने कर लिया है अपना बर्गर ओपन। ये हमारा बर्गर है और इसके साथ भैया ने दिया है मुझे केचप। ये 20 रुपये का बर्गर है मुझे पड़ा, और इसको मैं आपको ओपन करके दिखा देती हूँ कि इसके अंदर क्या क्या वेजीज है। तो मैं आपको ओपन करके दिखा देती हूँ कि भैया ने इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डाले हैं और क्या क्या है इसके अंदर, इसकी पैटी कैसे है मैं आपको दिखा देती हूँ। पहले बता देती हूँ कि भैया ने ये बर्गर फ्राई करके बनाया था। उन्होंने तेल में पहले फ्राई किया बर्गर, फिर उसके बाद बनाया। भैया ने पनीर भी डाला है, टमाटो भी है, ऑनियन भी है, और इसके अंदर 2 पैटी है। भैया ने इसके अंदर डाली है कैबेज भी। और इसको ट्राई करते हैं कैसा है। पहले बिना सॉस के ट्राई करते हैं। सॉस के साथ तो सॉस का ही फ्लेवर आएगा, बिना सॉस के देखते हैं कैसा लगता है। बड़ा ही देसी स्वाद है भैया के बर्गर का, और अच्छा बर्गर है। 20 रुपये में बड़ा ही अच्छी क्वालिटी दे दी भैया ने, मतलब क्वांटिटी काफ़ी अच्छी है। तो इस बर्गर की हो गई है टेस्टिंग, अब बारी है इस वाले बर्गर की। ये है बर्गर हाई ऑन बर्गर का नाम है, भैया की दुकान का नाम था। और ये बर्गर पड़ा है मुझे 70 रुपये का। ये मैंने लिया है फ्राइड चिकन बर्गर, और इसको टेस्ट करते हैं कि इसका टेस्ट कैसा है। चलिए तो इसको ओपन करते हैं पहले। भैया ने बहुत ही मजबूत तरीके से टेप लगा रखी है, पैकेजिंग काफ़ी अच्छी है। और इसके साथ भैया ने दिया है सॉस दिया है, अलग सी सॉस लग रही है, शायद से ये मोमोज वाली सॉस है। आया दिखने में, तो ओपन करके देखते हैं कि मतलब बर्गर के अंदर क्या क्या है। 2 तरीके की सॉस लगा रखी है, मेयोनीज भर भर के है, इवन 2 चीज़ भी लग रखी है इसके अंदर, आप पास से देखिए। प्लस पैटी भी काफ़ी अच्छी है, तो दोनों चीज़ें अच्छी क्वांटिटी में दिख रही है। मतलब मुझे बहुत टेम्पटिंग लग रहा है ये बर्गर। तो सॉस भी मतलब आगे पीछे, मतलब आगे की तरफ भी है और पीछे की तरफ भी लगा रखी है बर्गर के दोनों साइड पर। और जहाँ तक बात है सॉस की, सॉस भी देख लेते हैं कि सॉस कौन सी वाली है। सॉस मेयोनीज दिया है और सेजवान सॉस दी। तो अब ट्राई करके देखते हैं कि बर्गर का टेस्टिंग, मतलब टेस्ट वाइज ये बर्गर कैसा है। ये बर्गर बहुत ही ज्यादा मस्त है, मतलब 70 रुपये में होल पैकेज है ये बर्गर में। मतलब इसको खाने के बाद मुझे नहीं लगता कि मुझे कोई बर्गर अच्छा लगेगा, पर हम उनको भी टेस्ट करके देखेंगे कि उनमें क्या अलग बात है। पर 70 रुपये में एक नंबर चीज़ है, A1 क्वालिटी। अगर मैं ये सॉस ना भी यूज़ करूँ ना, तो उसके अलावा, उसके बावजूद भी बर्गर में इतना टेस्ट है ना कि मतलब दोबारा बाइट लेने का मन कर रहा है। तो बहुत अच्छा बर्गर है ये। तो अब निकालते हैं अपना KFC वाला बर्गर, और प्लेट भी अरेंज कर ली है मैंने यहाँ पर। तो इसको अनबॉक्स करते हैं, देखते हैं कि कैसा इसका फ्लेवर है। तो बर्गर तो है ही, क्योंकि बर्गर की ही पेमेंट करी है। नैपकिन्स हैं, और मात्र एक ही सॉस दी इन्होंने कि एक से ज़्यादा अगर किसी को नीड हो तो फिर वो अपने घर का इस्तेमाल कर ले। तो अब इसको देखते हैं कि इसका बर्गर होगा कैसे। तो जैसे कि आप भी देख पा रहे हो,
₹70 वाले में सेसमी सीड थे, इसमें सेसमी सीड नहीं लग रखे, मतलब प्लेन बन है। ओपन करके देख लेते हैं, इसके अंदर ना टमाटो है ना अनियन है, इसके अंदर सिर्फ लेटस डाल रखा है, वो भी थोड़ा थोड़ा काट के बीच में, और जैसे कि सॉस लग रखी है इसके अंदर। तो अब ट्राई करके देखते हैं कि कैसा है। ठीक है, इतना खास नहीं है, मतलब ₹104 में इतना मुझे वर्थ नहीं किया ये, ठीक ही कह सकते हो आप। मतलब अगर जाना है फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करना है, बैठ के अंदर खाना है आपको, तो उसके अकॉर्डिंगली ठीक है। अगर टेस्ट वाइज देखूँ तो इतना खास नहीं है ये। तो मेरे पास है अभी मैक चिकन बर्गर मैकटिका, ये मुझे पड़ा है ₹120 का विद GST। तो इसका अनबॉक्सिंग करके देखते हैं कि क्या क्या दिया है इन्होंने। पहले टिश्यू पेपर दिया है, बर्गर है, और इन्होंने भी एक ही कैचअप दी है, दो नहीं दे सकते हैं, इनका बजट ढीला हो जाएगा, एक ही दिया है इन्होंने। तो ओपन करके देखते हैं क्या क्या है। जैसे कि आप देख पा रहे हो, जो KFC वाला बर्गर था तो उसमें सेसमी सीड नहीं थे, इन्होंने 120 में सेसमी सीड वाला बर्गर दिया है। ओपन करके दिखा देते हैं कि क्या है इसके अंदर। इन्होंने भी सिर्फ लेटस ही डाला है मेयोनेज के साथ, और मतलब जो उसका बैक साइड है बर्गर का, उसके अंदर कोई सॉस नहीं है, तो मतलब एक ही साइड दिया है इन्होंने सॉस। टेस्ट करके बता देते हैं कि टेस्ट कैसा है। टेस्ट वाइज ठीक है, अकॉर्डिंग टू मी KFC वाले बर्गर से ज़्यादा ही बेटर लग रहा है मुझे, मतलब सूखा सूखा से नहीं लग रहा। मेयोनीज है तो मतलब आप सॉस है तो कुछ आप उसको निगल पा रहे हो, ठीक है बर्गर ही। अब हम ट्राई करने जा रहे हैं बर्गर किंग का बर्गर जो है बॉस चिकन वॉपर। तो ये मुझे पड़ा है ₹250 का, मतलब जितने भी बर्गर अभी टेस्ट करें सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव बर्गर यही है। तो अब इसको देखते हैं कि इसकी बॉक्सिंग कैसी हो रही है, अनबॉक्स करते हैं इसको। तो मुझे नहीं लगता इसको प्लेट की ज़रूरत है, ये ऑलरेडी बॉक्स में आया है। एक सॉस दिया है इन्होंने, टिश्यू पेपर है वो भी ऐसे दिया है, टेढ़ा मेढ़ा हो रखा है, कोई नहीं, इसको साइड पर रख देते हैं। इसको ओपन करके देखते हैं कैसा लग रहा है। पैकेजिंग तो बहुत अच्छी दी है, के देखते हैं कि टेस्ट वाइज ये कैसा है। बहुत बड़ा है, मुंह में नहीं आ रहा मेरे। इसके अंदर मिंट सॉस डाल रखी है, प्लस एक जो चटनी होती है ना मीठी वाली, जो शायद उसे भल्ला पापड़ी चाट में डलती है, तो वैसे कोई चटनी का फ्लेवर भी आ रहा है मुझे, जिसने उसको थोड़ा मतलब मिसमैच कर रहा है पूरे बर्गर में। तो इतना खास नहीं लगा है मुझे, 250 में मुझे इतना खास नहीं लगा है, एवरेज है, 100 है, इतना भी अच्छा नहीं है कि मैं दोबारा जाके इसको खाऊं, ट्राई करूं।
मैं रेट करने जा रही हूँ बर्गर को, तो मैं मार्क्सिंग देंगी इनको, रेट करूंगी कि 10 में से मैं कितना टेस्ट वाइज मुझे कितना बर्गर अच्छा लगा। तो पहले बर्गर किंग वाले बर्गर से स्टार्ट करती हूँ मैं। तो मैं इसको 10 में से दूंगी 4, क्योंकि जो सॉल्ट का फ्लेवर आ रहा है वो मुझे अच्छा नहीं लगा है, तो इसको तभी मैं 4 मार्क्स देना चाहूँगी। तो अब मैं मार्क्स देने जा रही हूँ मैकडी के बर्गर को 10 में से, इसको मैं दूंगी 7। 7 मतलब कि मैं इसको दोबारा जाके खा सकती हूँ, पेट भरने के लिए सही है ये बर्गर। अगर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं होगा तो मैं ये वाला ऑप्शन चूज करूँगी। साथ ही साथ KFC वाले को मैं दूंगी 6, क्योंकि देखिए इसके अंदर ना इन दोनों बर्गर में ही मतलब एक ऑनियन या फिर एक टमाटो डालने से कुछ नहीं हो रहा, ये लोग ऐड ऑन कर सकते हैं, ठीक है। जहाँ पर अगर आप मैं ये वाले बर्गर देखूँ, ये इन लोग इनका प्राइस क्या है, 20 है, इसका 70 है, इन्होंने तभी भी टमाटो और ऑनियन डाला है, जबकि इनका तो एक ब्रांड है, तो ये चीज़ें डाल सकते थे, एक टमाटो, एक स्लाइस टमाटो या फिर एक स्लाइस ऑनियन डालने से कुछ नहीं होता है। और जो ये हाई ऑन बर्गर है इसको तो मैं फुल 10/10 देना चाहूँगी, फ्लेवर बहुत अच्छा है, चीज़ भी था इसके अंदर, फ्लेवरफुल है, मतलब इसके दोनों, चाहे वो रेड सॉस हो चाहे इसका चिली सॉस डाला है इन्होंने, मेयोनीज डाला है, और इन्होंने जो चीज़ डाला है तो उसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा टेस्ट दे रहा है मुझे, तो फ्लेवरफुल है बहुत ही ज़्यादा। और यहाँ पर गुप्ता जी के बर्गर को मैं देना चाहूँगी 9। पॉकेट फ्रेंडली भी है, पर हाँ जो वो भैया तलते हैं इसको तेल में, तो उसके हिसाब से वो थोड़ा क्या था कि ब्रेड सोक कर लेता है ऑयल, तो वो अनहेल्दी हो जाता है, तो तभी मैं इसको 9 देना चाहूँगी। टेस्ट तो इसका भी बहुत बढ़िया है। आई होप कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और अपने वैल्यूएबल कमेंट ज़रूर शेयर कीजिए कि आगे मुझे किस तरीके के और वीडियोस बनाने चाहिए, व्लॉग्स बनाने चाहिए। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम की आईडी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी। बाय बाय।